अगर आपके पास आईटेल का S23 Plus है और आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इस फोन में स्क्रीनशॉट किस किस तरह से बना सकते हो। इस फोन में स्क्रीनशॉट को बनाना है तो फोन का डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ इस तरह से प्रेस कीजिए। फर्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट लेते समय कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको आई नो पर क्लिक करना है। तो आप देखोगे आप इस फोन में 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट को ले पा रहे होंगे। अगर आपका इस फोन में 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो आप उसको भी ऑन करके रख सकते हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। उससे पहले कुछ और फीचर आपको बता दें स्क्रीनशॉट के, जैसे कि आप क्रॉप स्क्रीनशॉट चाहते हैं इस फोन में तो वो बना सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, जिस एरिया का आपको क्रॉप स्क्रीनशॉट चाहिए, मतलब जिस एरिया का चाहिए जितना, वो आप इस तरह से सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। आप इस फोन में सर्कल टाइप स्क्रीनशॉट भी बना पाएंगे, जिसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करना होता है। फिर बीच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, जिस साइड का आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेट कर पाओगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर से स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका स्क्रीनशॉट ये सेव हो जाएगा, तो इसके लिए भी आपको 3 फिंगर से होल्ड करना होगा। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं वो आपको कुछ इस तरह से सेट करना है, तो ये भी आपका स्क्रीनशॉट इस तरह से हो जाता है। अगर आपको चाहिए इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट तो चले जाइए लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में, और वहां जाने के बाद नॉर्मली स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए, फिर इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। आपको जितना करना है आप इस तरह से फिंगर से भी इसको कर सकते हैं। डन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी इस फोन में बना पाएंगे। अगर आपको 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट चालू नहीं, तो उसको चालू करने के लिए सेटिंग में जाने के बाद स्पेशल फंक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्क्रॉल करने के बाद आई स्मार्ट, इस पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट का। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ऑन करके रखनी है, तो आप इस फोन में 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में स्क्रीनशॉट बना सकते हैं।